मीडिया ने दावा किया कि फ्रांस ने यूक्रेन की उम्मीदों को करारा झटका दे दिया। असल में ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बेलारूस के डिजिटल नक्शे की मांग की थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को बेलारूस में तैनात कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले पुतिन ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर परमाणु हमला करना पड़ा तो बेलारूस उनकी सेना के लिए लॉन्च पैड होगा, और इसी बात से डरे ज़ेलेंस्की फ्रांस से बेलारूस का डिजिटल नक्शा मांग रहे थे ताकि वो बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर सकें। पर फ्रांस ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर उन्होंने इसकी कोशिश की तो ये बेलारूस में फ्रांस की घुसपैठ मानी जाएगी, क्योंकि अगर फ्रांस को बेलारूस का डिजिटल नक्शा चाहिए तो उसे बेलारूस के ऊपर अपने लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन तैनात करने होंगे, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए बेलारूस के चप्पे चप्पे की तस्वीरें और वीडियो फ्रांस तक पहुंचाएंगे, और तभी इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि रूस ने परमाणु मिसाइलें कहां छिपाई हैं। और मैक्रों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये गलती की तो उन्हें बेलारूस नहीं बल्कि सीधा रूस का सामना करना पड़ेगा, मतलब उन पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको नहीं बल्कि पुतिन वार करेंगे। यही वजह है कि फ्रांस ने यूक्रेन की मदद करने से मना कर दिया। मैक्रों ने दावा किया कि वो यूक्रेन की रक्षा के लिए उसके साथ खड़े हैं, पर किसी और देश में घुसपैठ के लिए वो कतई तैयार नहीं। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की साजिश तेलंगाना के कमांडरों ने रची थी। एक दिन पहले वहां हुए हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे, और सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में इस हमले का कनेक्शन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़ने का पता चला, जिसके पीछे मोपल्ला लक्ष्मण राव, नंबला केशव राव, मल्लुजला वेणुगोपाल और कटकम सुदर्शन नाम के नक्सल कमांडर हैं जो दंडकारण्य जोनल कमेटी से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के पास एक्टिव हैं। ये वो नक्सल कमांडर है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में घुसकर इस पूरे हमले की साजिश रची थी, और सूत्रों के मुताबिक उन्हीं के इशारे पर इस साल हुए सबसे बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें ताकतवर बम का इस्तेमाल हुआ ताकि नुकसान ज्यादा हो। उधर गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह को करीब 15 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। वो बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन जेल के नियमों में हुए बदलाव के बाद आनंद मोहन को हमेशा के लिए रिहाई मिल गई। 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया था, और इसी से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ, और फिर उसे सुबह 3 बजे ही जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके खिलाफ डीएम जी कृष्णैया के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। एक गलत है, बहुत गलत है, ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए। वहीं आनंद मोहन की पत्नी लवी आनंद ने अपने पति को निर्दोष बताया। 15 साल एक निर्दोष है, जिस तरह से जो भी था कोर्ट का आदेश। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 1994 में हत्या कर दी गई थी, और इसी मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। इस बीच चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। आशंका जताई जा रही थी कि चीन की चेतावनी के बाद ताइवान अपनी सालाना मिलिट्री ड्रिल रद्द कर देगा, पर उसने ये ऐलान कर दिया कि वो चीन की गीदड़ भक्कियों से डरने वाला नहीं है। ताइवान की मिलिट्री के मुताबिक उसकी ये ड्रिल 2 हिस्सों में होगी, जिसमें 15 से 19 मई तक जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर 24 से 28 मई तक ताइवान अपने खतरनाक हथियारों को परखेगा।